Assalamualaikum, welcome back to Max Life with Iram Ali. उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे, मेरी YouTube फैमिली बहुत मज़े में होगी. आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ. अगर आप एंकर बनना चाहते हैं या होस्ट बनना चाहते हैं तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ें अडॉप्ट करनी होंगी, कौन से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने होंगी, कौन सी ऐसी ट्रिक्स करने होंगे, हैंड गेस्चर्स करने होंगे जिससे आप ऑडियंस की अटेंशन गेन कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपकी ड्रेसिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस इवेंट पे जा रहे हैं, आपने ड्रेसिंग क्या की हुई है. फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई कॉर्पोरेट इवेंट कर रहे हैं और उसमें आप जीन्स शर्ट पहन के चले जाएंगे तो आपका इमेज 99% वहीं पर डाउन हो जाएगा. आपको अगर कोई भी कॉर्पोरेट इवेंट करना है तो आपकी कॉर्पोरेट ड्रेसिंग होनी चाहिए, लाइक कोई कोट पहना हो या पैंट कोट पहना हो, या आपने कोई अच्छी सी नाइस मैक्सी पहनी हो या साड़ी पहनी हो, तो आपको अपनी ड्रेसिंग का बहुत ख्याल रखना है. अगर आप कोई कॉन्सर्ट होस्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर आप जीन्स टी शर्ट भी पहन सकते हैं, मगर उसको अच्छे तरीके से कैरी करना आना चाहिए. उसके साथ अच्छे से शूज़ होने चाहिए, आपकी ज्वेलरी सिलेक्शन बहुत नाइस होनी चाहिए और मज़े की ड्रेसिंग करें आप उस पर. और फॉर एग्जांपल, अगर कोई बहुत हाई फाई किस्म का फैमिली फेस्टिवल है तो थोड़ा सा शिमरी ड्रेस होना चाहिए ताकि जब आपका ड्रेस चमक रहा हो तो उससे भी बहुत लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं. ये तो हो गई ड्रेसिंग की बात. अब हम बात करते हैं कि कौन से अल्फाज इस तरह के हैं जिनसे आप अट्रैक्ट करते हैं अपनी ऑडियंस को. तो सबसे पहले आपने मैं का लफ्ज़ नहीं यूज़ करना, आपने हम का लफ्ज़ यूज़ करना है कि आज हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं, आज हम हल्ला गुल्ला करने वाले हैं, आज हम फन करने वाले हैं. उनके माइंड को अपने साथ कनेक्ट कर लेना है और ऑडियंस में से लोगों को सिलेक्ट करना है कि आप जो है वो रेड फ्रॉक में जो लड़की है ना वो बहुत प्यारी लग रही है, उनको इंगेज कर लेना है. अगर शलवार कमीज़ में कोई आपको अच्छे लग रहे हैं उनकी तारीफ़ कर देनी है, उनको लगे कि यार ये हम में से है. और फॉर एग्जांपल, अगर आप पेशावर में इवेंट कर रहे हैं या मुल्तान में कर रहे हैं या कराची में कर रहे हैं या आप बलूचिस्तान में कर रहे हैं तो आपको उधर की लैंग्वेज के कुछ अल्फाज आने चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर उर्दू क्राउड है आपके सामने, उसके सामने आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपकी सारी बातें उनके दिमाग के ऊपर से होकर गुजर जाएंगी, वो आपको समझ ही नहीं पाएंगे. तो आपने अपनी लैंग्वेज को ईजी रखना है, अच्छी तरह रखना है. और एक मेन आपको की पॉइंट बताती चलूं कि स्माइल को आपने अपने फेस पे रखना है. स्माइल जो है वो बहुत ज़रूरी है, स्माइल से आप दुनिया फतह कर सकते हैं. मौसम यहाँ पे बहुत प्यारा हो रहा है. अच्छा हाँ, तो मैं बात कर रही थी एंकर की और होस्ट की. जब आप लोगों को इंगेज करेंगे आपको कोई दो चार अशार आने चाहिए, जो जैसे एक मैं शेर पढ़ती हूँ जो लोगों को बड़ा पसंद आता है, वो गार्डन गार्डन ही क्या जहाँ माली ना हो, वो गार्डन गार्डन ही क्या जहाँ माली ना हो, वो झगड़ा झगड़ा ही क्या जहाँ गाली ना हो, वो ससुराल ससुराल ही क्या जहाँ साली ना हो, और वो ऑडियंस ऑडियंस ही क्या जहाँ ताली ना हो. तालियाँ, इसके बाद जो तालियाँ बजती हैं ना, अब जो जो लोग मेरा शेयर कॉपी करना चाहते हैं खुलेआम इजाज़त है, आप कर सकते हैं, मगर ऑडियंस को इंगेज करना सीखें आप, उनके साथ कनेक्ट होना सीखें आप. इस तरह के जब आप फ़नी कोई बात करते हैं तो लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं. उनके रंग में रंग जाना है, अपने आप को उनके रंग में रंग लेना है और इस तरह आप बन जाएंगे एक सक्सेसफुल एंकर एंड होस्ट.